डीडीसी निमियाघाट सब स्टेशन द्वारा मंगलवार को इसरी बाजार मथुरा सिनी भवन में आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 2047 योजना के अंतर्गत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंच पर आसीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के शिक्षा मंत्री सह स्थानीय विधायक जगन्नाथ महतो उपस्थित थे, जबकि इस तरह मुख्य रूप से 20 सूत्रीय अध्यक्ष देगलाल महतो, प्रमुख उषा देवी, पूर्व प्रमुख यशोदा देवी, उप प्रमुख उपेंद्र महतो, जीप सदस्य कर्मशा बैजनाथ महतो, सुनीता कुमारी व धनंजय प्रसाद, जीप सदस्य प्रतिनिधि जीवाधन महतो, BDO सोमनाथ बंकिरा, निर्मल जयसवाल, लाल मणि साव, DDC मैथन से SI मृणाल भट्टाचार्य, निमियाघाट सब स्टेशन के AE प्रदीप मंडल आदि सहित क्षेत्र के दर्जनों प्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। संचालन पूर्व जीप सदस्य दिनेश महतो ने किया। नोडल अधिकारी सुबीर कुमार दास ने बिजली क्षेत्र में आगामी 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने, उज्ज्वल भारत भविष्य 2047 कार्यक्रम के तहत देश में मौजूदा बिजली समस्याएं, भविष्य की बिजली आपूर्ति, बिजली बचत, सोलर एनर्जी सहित बिजली विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। वहीं बताया कि वर्तमान में 169 मेगावाट बिजली क्षमता बढ़ाई गई है और यही कारण है कि आज लगभग 22 घंटे बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बिजली उत्पादन एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी LED स्क्रीन एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दी गई है। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार बिजली का बकाया बिल की वसूली करने के लिए बार बार बिजली आपूर्ति बाधित कर देती है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य का बकाया अंश 1,34,000 करोड़ रुपए नहीं देती है। यदि राज्य अंश झारखंड को मिल जाए तो झारखंड में विकास की गंगा बहेगी। कहा कि कोयला हमारा, पानी हमारा और हम ही को बिजली नहीं मिलती है, यह सब नहीं चलेगा। यदि DVC अपना रवैया नहीं बदलेगा तो उसके अधिकारी अपना बोरिया बिस्तर समेटने की भी तैयार कर ले। सरकार कि हम अभी बिजली करवा दें, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, 2 घंटे के अंदर बिजली जुड़वाया। हम भी DVC को कैबिनेट में पास करके 1,600 करोड़ देने का काम आपके बकाया है, हम तैयार हैं देने के लिए कि हम जो हमसे आप पाते हैं ले लीजिए, लेकिन हम जो आपसे पाते हैं हमको भी दे दीजिए। लेकिन देने में एक देहाती कहावत है, दिए में बाप पड़े लगो। अभी आप लोग को जानकारी है कि नहीं, आपको 1,34,000 करोड़ झारखंड सरकार भारत सरकार रॉयल्टी के रूप में पाते हैं। यदि सरकार अपना पैसा नहीं दे, खाली झारखंड का रॉयल्टी का पैसा दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो पैसा का सूद के राशि से जिंदगी भर बिजली चमचमाती रहेगा। बिजली अभी नहीं मिलेगा, कई दिन पहले हाँ बेटा सर आपका देखा ही क्या करा, उसमें उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल बिजली उज्ज्वल भारत कहाँ गया था। लोग यहाँ गर्मी से परेशान है, एक हम कहना था सच्चाई बात जनता को मैंने भ्रमित करेंगे, झारखंड सरकार को बदनाम करेंगे। ये DVC टूटा हुआ है, हमारे कोयला हमारा, पानी हमारा, बिजली पैदा होता है हमारा और चक्काचक होता है कलकत्ता में बारह DVC। लेकिन अभी जो हमारे चेयरमैन साहब आया अच्छे आदमी है, बातचीत चल रहा है, कई एक रोड मुझे बात हो चुका है हमारे विभाग के अधिकारी
बैठे मिल जो था और मीटिंग बुलाए थे बड़े अधिकारियों के साथ, समय दिया है, हम भी उसको समय दिए हैं। मात्र 900 करोड़ रुपया के चलते और 7 साल से बिजली का दुर्दशा है। हमने पुकारों का डीएमएमपी के बैठक में डीसी साहब को बोले हैं कि आप हमारे यहाँ बोकारो जिला में बहुत पैसा है, सर्वसम्मत से निर्णय लेकर 900 करोड़ रुपए देने के लिए हमने घोषणा कराया है। और फिर 29 तारीख को ये सरकार के प्रस्ताव भेजेंगे और ये पैसा फॉरेस्ट को जाएगा और डीबीसी चमकाना चाहेंगे। यदि पैसा पा रहे हैं तो हम भाग नहीं रहे, पैसा देंगे, लेकिन बिजली कटौती का धमकी, बिजली काट देंगे। हम भी बड़े थे इस बार कि आपका पानी काट देंगे, खाली बिजली काटेगा, बिजली पैदा यहाँ कीजिएगा। लेकिन चेयरमैन साहब अच्छे आदमी हैं, विचार कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। हम लोग राज्य सरकार पैसा दिए, हमने हमारे आवास पर संचालन करे डीबीसी के लोग हमारे मालिक तो हैं भाई दिनेश जी, क्या थोड़ा बड़ा संयमित ढंग से अपने बात को रखने का काम किए हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं, लेकिन हमारे पूर्व वक्ता द्वारा जो बिजली का महत्व के बारे में बताया है, स्कूल का समय, हम उन लोगों को आभार प्रकट करता हूं। लेकिन हमारे जो डीबीसी के अधिकारी जो स्थिति है, ये सभी अधिकतर लोग जानते हैं राज्य सरकार का है। मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं, जानने का प्रयास कीजिए, डीबीसी भारत सरकार का है और भारत सरकार कई महीना पहले जो झारखंड को नाच नचाया है, सभी लोग जान रहे हैं, वो बात कोई भाई सब नहीं बोले, बोलना चाहिए पैसे के लिए। हम तो झारखंड से भाग नहीं रहे, लेकिन पैसा के लिए 18 घंटा बिजली काटने का काम किया। आज बोलता है उज्ज्वल भविष्य और उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल बिजली। आज आपका भाषण 22 घंटा बिजली देते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। हमारे नाटक में वो भी दिखाए बिजली के